गुड मॉर्निंग, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं काइट बीच। आज मैं अपना ब्लॉग हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि जो लोग हम लोगों के साथ गए हैं उन लोगों को बंगाली समझ में नहीं आती है, तो इसलिए उन लोगों के लिए और सबके लिए मैं अपना ये ब्लॉग आज का हिंदी में कर रही हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं काइट बीच। ये जस्ट नेक्स्ट टू जुमेरा बीच है, तो ये हमारे घर से ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। तो हम लोग रीज़न है क्योंकि जुबेरा बीच में वाशरूम थोड़ा कम है और काइट बीच बहुत ही लॉन्ग है और वाशरूम्स भी बहुत ज़्यादा है काइट बीच पे। तो वहाँ पे आप लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर लड़कियों के लिए वो बीच बहुत ही अच्छा है और वहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज़ भी होता है, वाटर स्पोर्ट्स भी होता है। तो हम लोगों ने उतना नहीं किया, तो आज हम लोगों के साथ हम लोग जो जा रहे हैं उधर, तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारा मस्ती भी करेंगे और समुंदर में नहाएंगे भी। तो हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि समुंदर में जाना है, समुंदर में जाना है करके, लेकिन नहीं हो पाया। तो वहाँ पे हम लोग काइट बीच बहुत बार जाते थे, लेकिन समुंदर में एवरी टाइम नहाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि नहाओ फिर चेंज करो और कॉमन वाशरूम्स वगैरह रहता है। तो कोरोना के टाइम से तो ये थोड़ा हम लोग अवॉइड ही करते थे, तो हम लोग ऐसे ही जाते थे और घूम फिर के आ जाते थे। काइट बीच पे आपको साइकिलिंग का ट्रैक भी है, जॉगिंग का ट्रैक भी है, इसके अलावा बहुत सारा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी है और उसके साथ साथ आपको बास्केटबॉल वॉलीबॉल का भी आपको प्लेग्राउंड मिलेगा। तो आज क्या क्या कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो काइट बीच पे हम लोग आ चुके हैं, तो वहाँ से ब्यूटीफुल आप लोग देख रहे हैं जो सारे वाटर स्पोर्ट्स और सारे काइट्स वो उड़ रहा है उधर आसमान पे, तो व्यूज़ बहुत ही अच्छा है और क्राउड भी है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ये चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए। चेंज करने के बाद तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी आई हुई है इधर, तो और कुछ लोग भी आए हैं, तो उन लोगों से भी मिलाऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो काइट बीच पे है, तो यहाँ पे ये सारा जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है ये रेंट पे भी मिल सकता है। तो इसका चार्जेस आपको 30 मिनट्स का 300-350 ऐसा अप्रॉक्स मिलता है। तो हम लोगों ने नहीं किया, तो हम लोगों ने ऐसे ही सिर्फ समुंदर में नहाया है। और ये सब बहुत टफ़ है, ये देखने में जितना ईजी लग रहा है करने में उतना ही टफ़ है। तो ये वहाँ पर ट्रेनिंग भी दिया जाता है, तो अगर आप लोग चाहे तो वहाँ से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो कोई भी छुट्टी हो या वीकडेज हो तो वहाँ पे आप लोग जाइए और प्लान बनाइए, अपना फैमिली और दोस्तों के साथ जाइए, तो बहुत ही मज़ा आएगा। और एक चीज़ है कि शाम को 7 बजे तक यहाँ पे जितना तक टाइम तक धूप रहता है, तो उसके बाद बीच बंद हो जाती है। तो बंद मतलब ऐसे ओपन ही रहता है, लेकिन आपको वो जो लाइफ गार्ड वगैरह मिलते हैं वो लोग नहीं मिलते हैं, वो लोग शाम को 7 बजे तक ही होता है, उसके बाद नहाने का परमिशन नहीं होता है। एक 26 नंबर एक तो जगह है, एक तो वो लंबा सा स्टैंड टाइप का जहाँ पे लाइफ गार्ड लोग मॉनिटर करते हैं सबको, तो वो बीच आपका नाइट में ओपन रहता है। तो आप लोग अगर चाहे तो उस बीच पे भी नाइट में जा सकते हैं। और ये रात का ये व्यू है, वहाँ से ब्रूज अल अरब बहुत ही अच्छा दिखता है। तो हम लोग अभी घर से खाना भी बना के लेके गए थे, तो खाने में था रोटी और उसके साथ साथ ग्रीन पीस की सब्ज़ी, सलाद और चिकन 65 और बटर चिकन, ये सारा हम लोग घर से बना के ही लेके गए थे। तो हम लोगों ने सब लोग मिलके वहाँ पे लंच भी किए और डिनर किए, सॉरी लंच नहीं डिनर किए, और स्वीट्स भी था। तो बहुत ही अच्छा दिन था।